बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी जॉर्ज एस क्लेसन द्वारा लिखी गई एक ऐसी किताब है जो कभी पुरानी नहीं होती। यह कहानियों के माध्यम से व्यक्तिगत वित्त और धन जमा करने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। यह किताब हमें बताती है कि अगर हम कुछ आसान से नियमों का पालन करें तो अमीर बन सकते हैं। ये नियम आज भी उतने ही कारगर हैं जितने सदियों पहले थे। यह कहानी बेबीलोन की है, जो एक ऐसा समृद्ध शहर था जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। किताब में हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो पैसों से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे होते हैं। वे बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकाद से सलाह लेते हैं। अरकाद उन्हें अपने अनुभवों के बारे में बताता है और अमीर बनने का रहस्य बताता है। इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बात है बचत और निवेश करना। अरकाद का कहना है कि सबसे पहले खुद को पैसा देना चाहिए। इसका मतलब है कि कमाई का कुछ हिस्सा खर्च करने से पहले बचा लेना चाहिए। यह आदत आपको समय के साथ अमीर बना सकती है और मुसीबत के समय काम आ सकती है। अरकाद का कहना है कि अपनी आमदनी का कम से कम 10% बचाना चाहिए और उसको किसी अच्छी जगह पर निवेश करना चाहिए ताकि और पैसा कमाया जा सके। इस किताब की दूसरी महत्वपूर्ण बात चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत है। कहानी के पात्र सीखते हैं कि अगर वे अपने पैसों को निवेश के जरिए बढ़ाते हैं तो उनके लिए यह पैसा काम कर सकता है। बार बार कमाई को दोबारा निवेश करने से और चक्रवृद्धि ब्याज के फायदे से उनकी संपत्ति बहुत तेजी से बढ़ती है। क्लेसन का कहना है कि पैसा लगाने से पहले किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए और निवेश के बारे में अच्छी तरह समझना चाहिए। इस किताब में यह भी बताया गया है कि सोच समझकर थोड़ा रिस्क लेना भी जरूरी है। पैसों के मामले में सावधानी तो जरूरी है ही, लेकिन अरकाद का कहना है कि ऐसे मौकों पर भी रिस्क लेना चाहिए जहां अच्छा फायदा होने की संभावना हो। इससे हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी काम में रिस्क का अंदाजा लगाना चाहिए, जानकारी जुटानी चाहिए और अच्छे से सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। पैसों की रणनीति के अलावा बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी हमें यह भी बताता है कि इंसान का चरित्र और अनुशासन कितना जरूरी है। अमीर बनने और बने रहने के लिए ईमानदारी, लगन और जिम्मेदारी जैसे गुणों का होना बहुत जरूरी है। क्लेसन का कहना है कि पैसों के मामले में सफल होने के लिए अच्छी आदतें डालना और पैसों के प्रति सही सोच रखना भी जरूरी है। अंत में बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी उन सभी लोगों के लिए एक उपयोगी किताब है जो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं। इस किताब की कहानियों में ऐसी सीख छिपी हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। इनसे धन जमा करने, बचत करने, निवेश करने और अमीर बनने के बारे में बहुत ज्ञान मिलता है। इस किताब में बताए गए नियमों को अपनाकर आप आर्थिक आजादी और धन प्राप्त करने की राह पर चल सकते हैं। तो चलिए हम इसके एक एक चैप्टर को सीखते हैं। अध्याय एक, वह आदमी जो सोने की इच्छा रखता था। बंसीर एक गाड़ीवान बहुत दुखी था। वो अपने छोटे से घर और अधूरी बनी गाड़ी को देख रहा था। उसकी पत्नी बार बार दरवाजे पर आकर झांकती थी। यह देखकर बंसीर को याद आया कि घर में खाने को कुछ नहीं है और उसे काम पर जाना चाहिए। बंसीर इस बात से बहुत परेशान था कि वह इतनी मेहनत करता है पर गरीब ही रहता है। वह ये सोच ही रहा था कि उसका दोस्त कोबी वीणा बजाता हुआ उसके पास आया। कोबी ने बंसीर को सलाम किया और उससे दो शेकल मांगे, लेकिन बंसीर इतना खोया हुआ था कि उसने कोबी को देखा तक नहीं। कोबी को बहुत बुरा लगा। उसने बंसीर को बताया कि उसने सपना देखा था कि वह बहुत अमीर है और उसके पास ढेर सारा सोना है। कोबी ने बंसीर को समझाया कि यह सिर्फ एक सपना है, उसे इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए। बंसीर और कोबी अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे थे। बातों बातों में पैसों की कमी की भी चर्चा हो गई। उन्होंने सालों में बहुत सोना कमाया था, लेकिन उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। दोनों को उम्मीद थी कि किसी दिन उन पर धन की देवी मेहरबान हो जाएगी। उन्हें अब समझ आ रहा था कि ऐसा होना मुश्किल है। हर रोज उन्हें बस यही सोचना पड़ता था कि उनका परिवार भूखा न सोए। बंसीर की निराशा को देखकर कोबी का मन भी उदास हो गया। दोनों निराश होकर घर वापस आए और फिर उनके दिमाग में एक बेहतरीन विचार आया। उन्होंने कहा, हम सालों भर गुलाम की तरह काम नहीं कर सकते। बस काम करते रहना और कुछ नहीं होता। कोबी ने पूछा, क्या ये पता नहीं लगा सकते कि दूसरे लोग कैसे सोना कमाते हैं और उनकी तरह क्यों न करें? शायद कोई राज होगा जो हमें उन अमीर लोगों से सीखना चाहिए।
बांसीर ने सोचते हुए कहा, हमें तो बचपन का दोस्त अरकद याद आया जो बहुत अमीर है। सब लोग उसे शहर का सबसे धनी आदमी कहते हैं। उन्होंने अरकद से सलाह करने का फैसला किया। बाद में अरकद ने उनसे कहा, तुम दोनों को अब समझ में आया कि तुम इतने सालों से अमीर क्यों नहीं बन पाए। तुमने कभी धन को पाने की कोशिश ही नहीं की। जिन चीजों में हमने मेहनत की, हम उनमें सफल हुए। इसका मतलब है कि हमें ज्यादा तरक्की करने के लिए ज्यादा सीखना चाहिए। नई बातें सीखकर हम अपने सपनों को पाने के और अच्छे तरीके खोज सकते हैं। आ चलो आज ही अरकद से मिलते हैं, बांसीर ने जोर देकर कहा। फिर बांसीर और कोबी ने अपने उन बचपन के दोस्तों को इकट्ठा किया जिन्हें भी अरकद जैसी मदद की जरूरत थी। अध्याय 2, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। एक जमाने में अरकद नाम का एक शख्स था। वो बहुत अमीर था और अपने धन को दान पुण्य में खूब खर्च करता था। एक दिन कुछ लोग इकट्ठे हुए और आपस में जिंदगी के बारे में बातें करने लगे। उनका कहना था कि किस्मत कुछ लोगों को ही सब खुशियां क्यों दे देती है और बाकी लोग गरीबी में जिए। अरकद ने उन्हें समझाया कि अमीर बनने का एक तरीका होता है। अगर आप मेहनत नहीं करते और पैसे बचाने के नियम नहीं सीखते तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अचानक से मिली दौलत जल्दी खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा कि लॉटरी जीतने वाले लोग भी कुछ ही समय में गरीब हो जाते हैं। अरकद ने जवान उम्र में ही सीख लिया था कि पैसा खुशियां लाता है। पैसा एक ताकत है जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए उसने ये फैसला किया कि वो गरीब की तरह नहीं जिएगा और अमीर बनने के लिए उसने दो चीजें करने की ठानी। पैसा जमा करने के तरीके सीखना, सीखे हुए तरीकों को अपनाना और मेहनत करना। अरकद ने सबको बताया कि सीखने के दो तरीके होते हैं। पहला वो चीजें जो हम सीखते हैं और जानते हैं, दूसरा वो अभ्यास जो हमें ये बताता है कि जो हम नहीं जानते वो कैसे पता करें। अरकद को एक लेखक की नौकरी मिली और उसने कई महीनों तक मेहनत की लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। अरकद के एक ग्राहक, एक अमीर आदमी जिसका नाम अलगामिश था, को रातों रात एक काम करवाना था। अरकद ने इतनी जल्दी काम करने के बदले में अलगामिश से पूछा कि वो भी कैसे अमीर बन सकता है। अलगामिश की पहली सलाह थी, मुझे धन का रास्ता तब मिला जब मैंने फैसला किया कि जो भी कमाता हूँ उसका कुछ हिस्सा मैं अपने लिए रखूंगा। अरकद जो कमाता है उसका कम से कम 10वां हिस्सा बचाने की सलाह उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत थी। यहर वो सोने का सिक्का जो तुम बचाते हो वो तुम्हारे लिए काम करने वाला गुलाम है। जो भी तांबा वो कमाता है वो उसका बच्चा है जो तुम्हारे लिए और कमा सकता है। जब अरकद 12 महीने बाद अलगामिश से मिला तो उसने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचा लिया था, लेकिन उसने वो पैसे दुर्लभ रत्न खरीदने के लिए पत्थर काटने वाले अजमूर को दे दिए थे। यहीं पर अलगामिश ने अरकद को एक और सलाह दी। हर मूर्ख को सीखना चाहिए, उसने गुस्से से कहा, लेकिन रत्नों के बारे में ज्ञान के लिए एक पत्थर काटने वाले पर भरोसा क्यों करें? अगर अगली बार आपको रत्नों के बारे में सलाह चाहिए तो व्यापारी के पास जाओ। सलाह एक चीज है जो मुफ्त में मिलती है, लेकिन ध्यान दो कि सिर्फ वो ही लो जो लेने के लायक हो। ईंट बनाने वाले ने जो गहने खरीदे वो नकली निकले और अरकद को सबक मिल गया। अब बचत करने की आदत उनमें पूरी तरह से आ गई थी, इसलिए उन्होंने जल्दी ही ज्यादा सोना इकट्ठा कर लिया। एक साल बाद अलगामिश वापस अरकद से मिलने आया। अरकद ने बताया कि वो अपनी बचत को घाल बनाने वाले अग्गर को उधार दे रहे थे और अग्गर उन्हें ब्याज दे रहा था। कुछ सोने का इस्तेमाल वो दावतों और चीजों को खरीदने में कर रहे थे। अलगामिश ने सलाह दी, तुम अपनी बचत को खर्च कर रहे हो, तो फिर वो तुम्हारे लिए कैसे काम करेंगी और वो कैसे और पैसे पैदा करेंगी? पहले सोने के गुलाम बनाओ, फिर बिना किसी चिंता के दावत उड़ाओ। 2 साल बाद अलगामिश ने अरकद की उनकी बात मानने की आदत की तारीफ की। अरकद, उन्होंने कहा, तुमने सबक अच्छे से सीखे हैं। तुमने पहले ये सीखा कि कमाई से कम खर्च करना चाहिए, फिर आपने समझदार लोगों से सलाह लेना सीखा, और आखिर में तुमने सोने को अपने लिए काम करना सीखा है। अरकद ने पैसा कमाना, बचाना और उसे खर्च करना सीख लिया था। अलगामिश ने अरकद को एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसे वह मना नहीं कर सकता था, उसके साथ काम करने और उसकी संपत्ति में हिस्सा लेने का।
अर्काद जिस समूह को संबोधित कर रहे थे उनमें से एक ने टिप्पणी की कि उन्हें उत्तराधिकारी बनाया जाना भाग्यशाली है। अर्काद ने जवाब दिया, केवल इसलिए भाग्यशाली हूँ क्योंकि मुलाकात से पहले ही मेरे पास तरक्की करने की इच्छा थी। अवसर एक अभिमानी देवी है जो उन लोगों के साथ समय बर्बाद नहीं करती जो तैयार नहीं है। इच्छाशक्ति वह दृढ़ निश्चय है जिसे आप स्वयं के लिए निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए लेते हैं। जब मैं अपने लिए कोई कार्य निर्धारित करता हूँ तो मैं उसे पूरा करता हूँ। इसलिए मैं कठिन और अव्यवहारिक कार्य शुरू नहीं करने में सावधान रहता हूँ क्योंकि मुझे आराम पसंद है। जहाँ कहीं लोग ऊर्जा लगाते हैं वहीं धन बढ़ता है। अर्काद बताते हैं कि आपको इस विचार के साथ रहना चाहिए कि मेरी कमाई का एक हिस्सा मुझे रखना है। इस बारे में सुबह, दोपहर और रात सोचें। अपने आप को इस विचार से प्रभावित करें, अपने आप को इस विचार से भरें। जैसे जैसे यह बढ़ेगा यह आपको उत्तेजित करेगा। सोने को अपना गुलाम बनाओ। समझदार लोगों की सलाह लो। समूह ने चर्चा के लिए अर्काद को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। कुछ लोग तो चुपचाप थे और उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था। ये लोग कटाक्ष कर सोच रहे थे कि काश अर्काद अपना इतना सारा धन उनके साथ बांट देता। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग वहां से आंखों में नई चमक लिए हुए गए और वे अक्सर अर्काद से सलाह लेते थे। अर्काद ने उन्हें खुशी से अपना ज्ञान दिया। अध्याय 3, पतले पर्स के लिए 7 उपचार। राजा सर्जन शहर की हालत देखकर परेशान थे। अमीर और अमीर होते जा रहे थे और गरीब और गरीब। सारा सोना शहर के कुछ ही बहुत अमीर लोगों के हाथों में चला गया था। राजा ने पूछा, कुछ ही लोग सारा सोना कैसे जमा कर सकते हैं? राजदूत ने जवाब दिया, क्योंकि उन्हें पता है कैसे। कोई भी इंसान सफल होने के लिए उसे मना नहीं कर सकता है सिर्फ इसलिए कि वो जानता है। राजा ने पूछा, राजदूत, पूरे शहर में सबसे ज्यादा धनवान बनना कौन जानता है? राजदूत ने जवाब दिया, आपका सवाल ही जवाब दे देता है महाराज। बेबीलोन में सबसे ज्यादा धन किसने इकट्ठा किया है? अर्काद, राजदूत ने जवाब दिया। अर्काद को राजा के सामने आने का बुलावा आया। बातचीत की शुरुआत ही विषय को बता देती है, आप इतने अमीर कैसे बन गए? राजा ने पूछा, क्या आपके पास शुरुआत में कुछ नहीं था? अर्काद ने कहा, सिर्फ धन के लिए बहुत बड़ी इच्छा, इसके अलावा कुछ नहीं। राजा ने पूछा, क्या धन प्राप्त करने का कोई राज है? क्या इसे सिखाया जा सकता है? अर्काद ने जवाब दिया, यह व्यावहारिक है महाराज। जो एक आदमी जानता है उसे दूसरों को सिखाया जा सकता है। राजा चाहते थे कि अर्काद का ज्ञान शहर के लोगों के साथ साझा किया जाए। राजा ने अर्काद के साथ बैठने के लिए 100 चुने हुए लोगों को चुना। महान आदमी 100 लोगों के सामने खड़ा हुआ और उसने बताया कि कैसे उसके पास मोलदई में सिवाय खाली थैली के कुछ नहीं था। उसने खाली थैली का इलाज ढूंढा और उसे 7 चीजें मिली। ये 7 चीजें ही थीं, एक पतली थैली के साथ इलाज, अपनी तिजोरी भरने का आसान तरीका, कमाई के हर 10 रुपए में से सिर्फ 9 रुपए खर्च करें। ऐसा करने से आपकी तिजोरी जल्दी भरने लगेगी और बचत का बढ़ता हुआ वजन आपको अच्छा महसूस कराएगा। खर्च पर रखें लगाम, अपने खर्चों का बजट बनाएं ताकि जरूरी चीजें, मनोरंजन और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आपके पास बिना कमाई का 90% से ज्यादा खर्च किए पैसे बचें। अपने पैसों को काम पर लगाएं, हर रुपया को ऐसे लगाएं कि वह और पैसा कमाकर लाए, जैसे खेतों में जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। इससे आपके पास लगातार आमदनी का सिलसिला बना रहेगा। सही जगह पर निवेश करें, अपना पैसा सिर्फ उसी जगह निवेश करें जहां वह सुरक्षित रहे और जरूरत पड़ने पर वापस लिया जा सके, साथ ही अच्छा मुनाफा भी मिले। इसके लिए समझदार लोगों से सलाह लें जो पैसा संभालने में माहिर हों। उनकी सलाह से आप गलत निवेश से बच सकते हैं। अपना घर फायदे का सौदा, अपने रहने के लिए खुद का घर खरीदें, भविष्य के लिए बचत करें, बढ़ती उम्र और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ही बचत करें, कमाई की क्षमता बढ़ाएं, खुद को सीखने और नया ज्ञान हासिल करने के लिए प्रेरित करें, अपने हुनर को निखारें और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ें।
अरकाद ने अपना व्याख्यान खत्म करते हुए सैकड़ों लोगों को यह कहते हुए प्रोत्साहित किया कि आपके आसपास इतना अधिक सोना है जितना आप सोच भी नहीं सकते। इतना सोना है कि हर किसी के लिए काफी होगा। तो अब आप आगे बढ़े और अमीर बने। अध्याय 4, सौभाग्य की देवी से मिलें। अरकाद राजा के 100 चुने हुए सैनिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्या किस्मत को अपने पक्ष में किया जा सकता है। जुआ खेलना किस्मत का अच्छा दाव नहीं है, जीत भी हो जाए तो वो टिकने वाली नहीं। असली सफलता मेहनत से मिलती है, जुए से नहीं। अरकाद कहते हैं, कोई भी सफल व्यक्ति आपको नहीं बताएगा कि उसकी सफलता जुए से शुरू हुई। अगर कोई अच्छा सौदा हो जाता है तो वो किस्मत नहीं, आपकी समझदारी का फल है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छा मौका हाथ से निकल जाता है, वही असली किस्मत होती अगर वो मिल जाता। असली किस्मत तो उसका इंतजार करती है जो मौके का फायदा उठाना जानता है। कभी ना कभी हम सभी ने ऐसा महसूस किया है कि काश हमने जल्दी कदम उठाया होता। कई बार लेट होने की वजह से बाद में हमें पछतावा होता है। शुभ मौके आने पर भी हम उन्हें टाल देते हैं और अच्छे भाग्य को खुद ही दूर कर देते हैं। हम सब सुख समृद्धि चाहते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो टालने की आदत बीच में आ जाती है। नतीजा, हम अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। कुछ लोग तो मौके का फायदा उठाते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग झिझकते हैं, पीछे रह जाते हैं। कहा भी गया है, अपने आप को भाग्यशाली बनाने के लिए मौकों का फायदा उठाना जरूरी है। जो लोग काम करते हैं उन पर ही शुभ देवी मेहरबान होती है। अध्याय 5, सोने के 5 नियम। मान लीजिए आपके पास चुनने का मौका है, एक थैली भर सोना या ज्ञान की बातें लिखी हुई एक मिट्टी की तख्ती। आप क्या चुनेंगे? ज्यादातर लोग सोना लेकर भाग जाएंगे, है ना? ज्ञान को नजरअंदाज कर दें, सोना फूंक दें और फिर जब कुछ न बचे तो रोना शुरू कर दें। ऐसा सोना उन्हीं के लिए होता है जो इसके नियमों को जानते हैं और उनका पालन करते हैं। दूसरे शब्दों में, ध्यान से सुनो और इन सरल सीखों का पालन करो। अरकाद का बेटा नोमासीर किसी और अमीर लोग की तरह नहीं था। उसे अपनी विरासत कमानी थी, क्योंकि अरकाद बिना मेहनत के दौलत देने को मंजूरी नहीं देता था। उसे ये पता होना चाहिए कि दौलत को कैसे कमाना, बचाना और बहाना है। नोमासीर को सोने से भरा एक बैग और सोने के 5 नियमों वाली एक तख्ती दी गई। फिर उसे दुनिया का अनुभव लेने, नियम सीखने और 10 साल में एक सक्षम और योग्य आदमी बनकर अपनी विरासत लेने के लिए भेज दिया गया। 10 साल बीत गए और जैसे कल की ही बात हो, नोमासीर पिछले 10 सालों का लेखाजोखा देने के लिए अरकाद के सामने खड़ा हो गया। आपने मुझे खूब सोना दिया, आपने मुझे खूब ज्ञान दिया, आपके सोने के बारे में अफसोस। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैंने इसे बहुत बुरी तरह संभाला। यह वास्तव में मेरे अनुभवी हाथों से भी उसी तरह भाग गया जैसे जंगली खरगोश उस युवक से भाग जाता है जो उसे पकड़ लेता है। नोमासीर ने आगे चलकर सोने की उस पहली थैली को संभालने में अपनी बदकिस्मती के बारे में बताया। उसने एक शर्त में काफी कुछ गवा दिया, फिर एक ऐसा व्यवसाय खरीदा जो दिखाए जाने से कहीं ज्यादा खराब निकला और कई बेकार की चीजों पर बेवकूफी से खर्च कर दिया। अंत में नोमासीर को खाने और सोने के लिए अपने घोड़े, अपना गुलाम और कपड़े बेचने पड़े। लेकिन उन बुरे दिनों में मुझे तुम्हारा मुझ पर भरोसा याद आया, पिताजी। आपने मुझे एक आदमी बनने के लिए भेजा था और मैं इसे हासिल करने के लिए दृढ़ था। मैंने आपके ज्ञान के शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ा और महसूस किया कि अगर मैंने पहले ज्ञान की तलाश की होती तो मेरा सोना नहीं खोया होता। सोने के 5 नियम। बुद्धिमान व्यक्ति जो अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा भविष्य के लिए बचा लेता है, सोना खुशी खुशी उसकी तरफ आता है और उसकी मात्रा भी बढ़ती रहती है। यह बस सेविंग्स, बचत बनकर उसके और उसके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करता है। समझदार मालिक के लिए सोना मेहनत करता है और उसे फायदा पहुंचाता है। जिस तरह खेत में भेड़ें बढ़ती हैं, उसी तरह सोना भी सही इस्तेमाल से लगातार बढ़ता रहता है। सोना उस सावधान मालिक के पास रहता है जो निवेश करने से पहले समझदार लोगों की सलाह लेता है। जो लोग सोने को संभालने में कुशल होते हैं, उनकी सलाह से किया गया निवेश फायदेमंद होता है। वहीं सोना उस व्यक्ति से दूर भाग जाता है जो उसे गलत कारोबार या ऐसे कामों में लगाता है
जिनके बारे में उसे जानकारी नहीं होती या जो निवेश के जानकारों को पसंद नहीं आते। सोना उस व्यक्ति से भाग जाता है जो उससे बहुत ज्यादा कमाई करने की कोशिश करता है। धोखेबाजों और फरेबी लोगों की सलाह पर चलने या बिना अनुभव के या सिर्फ लालच में निवेश करने से भी सोना हाथ से निकल जाता है। नुमासिर ने धीरे धीरे पैसे जमा करना शुरू किया, पहले छोटे छोटे तांबे के सिक्के, फिर चांदी के सिक्के और अंत में सोने के सिक्के। बुद्धिमान लोगों की सलाह से उसने ये पैसे निवेश करना भी सीख लिया। साल बीतते गए और उसकी दौलत तेजी से बढ़ती गई। अपने दुखों, परेशानियों और सफलताओं के दौरान इन्हें बार बार अपने पिता की बताई सोने के 5 नियमों की बुद्धिमानी को परखा है और हर बार वे सच साबित हुए हैं। ए जो धन जल्दी आता है वो जल्दी चला भी जाता है, ए वही धन जो धीरे धीरे आता है वो मालिक को खुशी और संतुष्टि देता है। अध्याय 6, बेबीलोन का स्वर्ण ऋणदाता। रोड़न आज बहुत खुश था। चलते वक्त उसकी थैली में सोने के सिक्कों की खनखनाहट उसे बहुत अच्छी लग रही थी। उसके पास पहले कभी इतना सोना नहीं था, पूरे 50 सिक्के। अब वह सोच रहा था कि ये सोना कहां और कैसे लगाए। उसे लगा माथन, सोने का व्यापारी, उसका मार्गदर्शन कर सकता है। रोड़न थोड़ा परेशान था क्योंकि उसकी प्यारी बहन ने उससे कुछ सोना मांगा था। उसे अपने पति अरमान के नए कारोबार के लिए उधार चाहिए था। माथन ने कहा, अब बहुत लोग मुझसे सोना उधार लेते हैं अपनी गलतियों का भुगतान करने के लिए, लेकिन सलाह कोई नहीं मांगता। मगर सोना उधार देने वाले से ज्यादा समझदार कौन हो सकता है जिसके पास लोग मुसीबत में आते हैं। ए मैं तुझे बताता हूँ क्योंकि तुझे ये जानना चाहिए कि उधार देने और लेने में सिर्फ सोने का एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना नहीं होता है। अगर तू अपने दोस्त की मदद करना चाहता है तो ऐसा तरीका ढूंढ जो तुझ पर उसका बोझ न डाल दे। मठोन लोन देने का काम बहुत समझदारी से करता है। उसके पास एक संदूक है जिसमें वो हर लोन के लिए एक निशान रखता है। जब तक लोन वापस नहीं हो जाता निशान वहीं रहता है। कुछ निशान हमेशा के लिए रह जाते हैं। मठोन बताता है कि सबसे सुरक्षित लोन वो होता है जब लेने वाले के पास मांगी गई रकम से ज्यादा की चीजें पहले से मौजूद हों। ऐसे लोन संपत्ति के आधार पर दिए जाते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो लोन चुकाने के लिए ये चीजें बेची जा सकती हैं। कुछ लोग कमाई करके लोन और ब्याज चुका सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो ईमानदार रहते हैं और उनके साथ कोई बुरा ना हो। ऐसे लोन कमाई के आधार पर दिए जाते हैं। कुछ लोगों के पास ना तो संपत्ति होती है और ना ही इतनी कमाई। उनके लोन की गारंटी उनके परिवार या अच्छे दोस्त देते हैं। ए मैं सोने का उधार लेने से मना नहीं करता, मैं उसे बढ़ावा देता हूँ। अगर कोई समझदारी से काम करने के लिए सोना लेना चाहता है तो मैं जरूर दूंगा। मठोन यह तय करने से पहले कि किसे लोन देना है पूरी जांच पड़ताल करता है। रोड़न यह पूछता है कि क्या वो अरामन को लोन देगा। इस पर मठोन कहता है कि वो कभी भी उसके मकसद के लिए लोन नहीं देगा। उसका लक्ष्य अच्छा जरूर है लेकिन जमीनी हकीकत से नहीं मिलता, इसलिए मैं उसे सोना नहीं दूंगा। लोन देना आसान है लेकिन अगर बिना सोचे समझे दिया जाए तो वापस लेना मुश्किल हो जाता है। मुझे सोना बेकार पड़ा रहना पसंद नहीं और जोखिम लेना तो और भी कम पसंद है। मठोन की आखिरी बात उधार लेने वाले और देने वाले दोनों पर लागू होती है। थोड़ा सावधानी रखना बाद में पछताने से बेहतर है। अध्याय 7, बेबीलोन की दीवारें। बाबुल शहर सैकड़ों सालों से सुरक्षित था। इसकी वजह थी 160 फुट ऊंची और मजबूत दीवारें। बंजर एक बहादुर बुजुर्ग योद्धा था। वो इन दीवारों के रास्ते पर पहरा देता था। आज के दिन जब दुश्मन शहर को घेरने की कोशिश कर रहा था, बंजर सबसे ऊपर था और उसे सबसे पहले खबर मिलती थी। घबराए हुए लोग उससे हाल जानने आते थे। एक व्यापारी आया जो अपनी पत्नी की फिक्र कर रहा था। बंजर ने उसे शांत किया और कहा, अचिंता मत करो व्यापारी, एक बीमार पति वाली पत्नी आई। तो बंजरदार ने उससे कहा, अपने पति के पास वापस जाओ, उन्हें बताओ कि ये दरवाजे मजबूत हैं और दुश्मन इन्हें तोड़ नहीं पाएंगे, रास्ते में ध्यान रखना। एक डरे हुए बच्चे को बंजर ने दिलासा दी, अब बाबुल की दीवारें तुम्हें, तुम्हारी माँ, भाई और बहन को सबको बचाएंगी। लगभग 4 हफ्तों की लड़ाई के बाद
बाबुल की दीवारों ने एक बार फिर दुश्मनों को हरा दिया। हम पर्याप्त सुरक्षा के बिना नहीं रह सकते। ये वाक्य कहानी से अलग लगता है और इसमें शामिल नहीं किया गया है। अध्याय 8, बेबीलोन काउंट व्यापारी। पेट जितना ज्यादा खाली होता है, दिमाग उतना ही तेज चलता है। टारकद को 2 पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था। रास्ते में उसकी मुलाकात दाबसीर नाम के ऊंट व्यापारी से हुई, जिसे वो बचना चाहता था। टारकद पर दाबसीर के कुछ तांबे और चांदी के सिक्के बाकी थे। एजो ज्यादा उधार लेता है और कम चुकाता है, उसका पीछा दुर्भाग्य करता है, दाबसीर ने कहा भूखे टारकद के सामने खाना खाते हुए। एम ने सुना है कि उर्फा से लौटा एक यात्री एक ऐसे धनी व्यक्ति के बारे में बता रहा था जिसके पास एक ऐसा पत्थर है जिसे पार देखा जा सकता है, टारकद ने पूछा। टारकद, क्या पूरी दुनिया किसी आदमी को उसके असली रंग से अलग देख सकती है? दाबसीर ने पूछा। दरअसल दाबसीर टारकद को सबक सिखाना चाहता था। वो सभी को बताने लगा कि कैसे सीरिया में गुलाम रहने के बाद वो ऊंट व्यापारी बना। दाबसीर ने अपने दोस्तों से उधार लिया था लेकिन चुका नहीं पाया। चीजें बिगड़ती गईं। उसकी पत्नी अपने पिता के पास वापस चली गई और वो बाबुल छोड़कर चला गया। रास्ते में लुटेरों ने उसे पकड़ लिया और दमिश्क ले जाकर गुलाम के रूप में बेच दिया। दाबसीर को एक सीरियाई रेगिस्तानी सरदार ने 2 चांदी के टुकड़ों में खरीदा और उसे अपनी बेटी के ऊंटों की देखभाल के लिए लगा दिया। सरदार की बेटी दाबसीर के पिछले जीवन के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। अगर किसी आदमी के अंदर एक स्वतंत्र इंसान की आत्मा है तो क्या वह अपने दुर्भाग्य के बावजूद अपने ही शहर में सम्मानित नहीं होगा? अब बेटी ने पूछा। यहाँ मेरी इच्छा है कर्ज चुकाने की, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखता, दाबसीर ने जवाब दिया। दाबसीर पर कर्ज का बोझ था और इस वजह से उसे शहर छोड़कर भागना पड़ा। अगर वह हिम्मत दिखाकर डट जाता तो लोग उसकी इज्जत करते। दाबसीर ने सोचा, अगर मैं सच्चा मर्द होता तो वापस लौटकर कर्ज चुकाता। जिसने मुझ पर भरोसा किया उनका विश्वास लौटाता, मेरी प्यार करने वाली पत्नी को खुशी देता और माता पिता को सुकून पहुंचाता। फिर अचानक दुनिया ही बदल सी गई। दाबसीर को जिंदगी के असली मायने समझ आ गए। वह अपने इस फैसले से बहुत खुश हुआ। टारकद ने ध्यान से सब सुना और भावुक हो उठा। ए, तुमने मुझे एक राह दिखाई है। मुझे पहले से ही अपने अंदर एक आजाद इंसान की रूह महसूस हो रही है। जहां ठान लेते हैं वहां रास्ता निकल ही आता है। अध्याय 9, बेबीलोन से मिट्टी की गोलियां। मेसोपोटामिया की खुदाई में अल्फ्रेड को 5 पट्टियां मिली। उन्होंने प्रोफेसर कॉल्डवेल को इन पट्टियों के बारे में बताया। इन पट्टियों पर दाबसीर नाम के एक शख्स की कहानी लिखी थी। दाबसीर सीरिया में गुलाम रहा था, लेकिन कर्ज चुका कर और सम्मान पाकर वो वापस बेबीलोन लौटा था। अल्फ्रेड को दाबसीर की ये तरकीबें बहुत अच्छी लगीं और उन्होंने अपने जीवन में भी उन्हें अपनाने का फैसला किया, भले ही ये कहानी 5000 साल पुरानी थी। पट्टियों का अनुवाद करने पर पता चला कि दाबसीर ने कर्ज से मुक्ति पाने के लिए सोने के उधारदाता मथोन से सलाह ली थी। दाबसीर एक बुद्धिमान व्यक्ति था जिसने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक योजना बनाई। उसकी कमाई का 1/10 हिस्सा उसने बचत के लिए अलग रख लिया। बाकी कमाई का इस्तेमाल उसने अपने खर्च और कर्ज चुकाने के लिए किया। दाबसीर ने अपने 119 चांदी के टुकड़ों और 141 तांबे के टुकड़ों के कर्ज को चुकाने के लिए एक योजना अपने लेनदारों को बताई। इस योजना को सुनकर कुछ लेनदार खुश हुए तो कुछ को संदेह हुआ। दाबसीर ने कड़ी मेहनत करके कर्ज चुकाना शुरू किया। उसकी पत्नी ने भी जरूरी चीजें और सामान खरीदे। धीरे धीरे लेनदारों को दाबसीर पर भरोसा होने लगा। दाबसीर को गर्व हुआ और उसने कहा, मेरी पत्नी की आंखों में अब चमक है जिससे मुझे खुद पर भरोसा हो गया है। यह योजना ही मेरी सफलता का कारण है। कुछ समय बाद अल्फ्रेड ने प्रोफेसर को फिर खत लिखा। उसने बताया कि दाबसीर की योजना को अपनाने से उसे और उसकी पत्नी को कितना फायदा हुआ। उसने लिखा, पैसे बचाने में ज्यादा खुशी मिलती है बजाय उन्हें फालतू खर्च करने में। अध्याय 10, बेबीलोन का सबसे भाग्यशाली आदमी। बड़े व्यापारी शरू नाड़ा एक सच्चे शहंशाह की तरह लगते थे। अच्छे कपड़े, घोड़ा और एक लंबी कारवां, उनके पास शानो शौकत की हर चीज थी। लेकिन मन ही मन वो परेशान थे,
पर खुद के लिए नहीं बल्कि उस युवक के लिए जिसके साथ वो यात्रा कर रहे थे। ये युवक हादांगुला था, जो शरू के पुराने साथी का पोता था। शरू उस साथी का बहुत आभारी था और उस ऋण को कभी चुका नहीं पाएंगे। शरू हादांग के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन ये मुश्किल था क्योंकि हादांग खुद ही बिगड़ा हुआ था। शरू उम्मीद कर रहे थे कि वो हादांग को कुछ काम दिलाकर उसे उसके पिता द्वारा बर्बाद की गई विरासत से निकाल सकें। हादांग जैसे ही पैसा मिलता उसे फूंक देता था। वो सबसे बढ़िया कपड़े और अनमोल गहने पहनता था। बाबुल पहुंचकर शहर को देखते हुए हादांग कहता है कि ना तो उसे और ना ही उसके पिता को पैसा कमाने का हुनर विरासत में मिला जैसा उसके दादा शरू के साथी के पास था। एक सच्चे बाबुल के वासी की तरह शरू ने हादांग को ये कहानी सुनाई कि कैसे वो और उसके दादा एक साझेदारी में शामिल हुए जो बहुत फायदेमंद साबित हुई। शरू ने समझाया कि वो कभी एक गुलाम थे, अपने भाई की गलती के कारण उसके भाई ने झगड़े में अपने दोस्त को मार डाला था। शरू को उस विधवा से बंधक बना लिया गया और गुलाम के रूप में बेच दिया गया क्योंकि शरू के पिता उन्हें छुड़ाने के लिए इतना पैसा जुटा नहीं पाए थे। काम ही सबसे अच्छा दोस्त होता है, कड़ी मेहनत करना सबसे अच्छा दोस्त होता है। इसने मुझे वो सब अच्छी चीजें दी हैं जो मेरे पास हैं, मेरा खेत, मेरी गायें और फसलें, सब कुछ। अच्छा काम करने से फायदा होता है, याद रखना, अच्छा काम करने से उसे करने वाले को ही फायदा होता है, यह उसे और बेहतर इंसान बनाता है। शरू की कहानी। शरू को एक और स्वामी, एक ननई नानाई नाम के बेकर के पास बेच दिया गया। शरू खुद को बैबिल का सबसे भाग्यशाली आदमी मानता था क्योंकि उसे उस काम को सीखने के लिए चुना गया था जिसमें उसकी दिलचस्पी थी। उन दिनों में गुलाम मेहनत करके इनाम कमा सकते थे, अपना सामान रख सकते थे और यहाँ तक कि शादी भी कर सकते थे। शरू ने सड़क पर बेचने के लिए अतिरिक्त रोटियां बनाना शुरू किया और अपने मालिक के साथ मुनाफा बांटने के लिए बातचीत की। उसके नियमित ग्राहकों में से एक अरादगुला हादांग का दादा था। शरू और अरादगुला घनिष्ठ मित्र बन गए। जब शरू जुआ घरों में खर्च करने के लिए सोने के टुकड़े लेने वापस आता था तो नानाई को ज्यादा से ज्यादा चिंता होने लगती थी। एक दिन अरादगुला ने शरू को बताया कि वह भी एक गुलाम है और अपनी आजादी खरीदने के करीब है। इस बात पर पोते को शरू पर बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, मैं अपने दादा को बदनाम करने वाले झूठ नहीं सुनूंगा। अराद ने शर को सलाह दी, अब अपने स्वामी से मत चिपको, एक बार फिर से स्वतंत्र मनुष्य होने का एहसास प्राप्त करें, एक स्वतंत्र मनुष्य की तरह जियो और उसी तरह सफल हो। जब शरू अगली बार आराध्य से मिला तो वह एक बदला हुआ आदमी था क्योंकि अब वह आजाद था। शरू के मालिक की नौकरानी स्वस्ती बहुत परेशान होकर उसके पास आई। उसने कहा, तुम्हारे मालिक मुसीबत में है। शरू ने जवाब दिया, हमें उनकी मूर्खता की चिंता क्यों करनी चाहिए, हम उनके रखवाले नहीं हैं। दरअसल शरू के मालिक ने अपना खिताब एक साहूकार को गिरवी रख दिया था और वह साहूकार नाना नायर के दबाव के बिना भी उसे पकड़कर बेच सकता था। अगली सुबह साहूकार गुलामों के व्यापारी सासी को शरू को ले जाने के लिए ले आया। शरू बहुत निराश हो गया। क्या मुझे अपनी सारी जिंदगी बिना अपनी ख्वाहिशें पूरी किए, बिना खुशी और कामयाबी के गुजारनी है? शरू के नए मालिक सासी का एक दूत आया। शरू ने अपना झोला और अंगरखा पकड़ा और निकलने को तैयार हो गया। उसने कहा, मैंने आराध्य गुला को मेरा इंतजार करते देखा। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था, आराध्य ने कहा, मैंने तुम्हें छुड़ाने के लिए एक सख्त सौदा किया और तुम्हें बहुत ज्यादा दाम चुकाना पड़ा, लेकिन तुम इसके लायक हो। तुम्हारे विचार और मेहनत ही मेरी इस सफलता की प्रेरणा रहे हैं। आराध्य ने शरू की आजादी खरीद ली थी। आंसू मेरी आंखों में भर आए। मैं जानता था कि मैं बाबुल का सबसे खुशकिस्मत आदमी हूं। क्या काम करना ही मेरे दादाजी की गुप्त चाबी थी, वो सुनहरे सिक्के। जब मैं उन्हें पहली बार जानता था तो बस यही उनकी एकमात्र चाबी थी। काम ने ही उनके कई दोस्त बनाए, काम ने ही उन्हें कई सम्मान दिलाए, काम ही वो चीज थी जिसे मैंने हमेशा माना है। शरू नाड़ा ने कहा, जिंदगी में पुरुषों के लिए ढेर सारे मजे हैं जिनका वो लुत्फ उठा सकते हैं। हर चीज की अपनी जगह है। मुझे खुशी है कि काम सिर्फ गुलामों के लिए नहीं है।
अगर ऐसा होता तो मैं अपने सबसे बड़े सुख से वंचित रह जाता। शर्रू की कहानी ने हदनगुला की सोच को वाकई बदल दिया था और अब समझने के बाद उसने बदलाव लाने का फैसला किया। अब जबकि मैं समझ गया हूँ तो मैं उसकी और भी ज्यादा इज्जत करता हूँ और उसके जैसा बनने का ज्यादा दृढ़ निश्चय करता हूँ। मुझे डर है कि मैं उसे उसकी सफलता की असली चाबी देने के लिए कभी वापस नहीं कर सकता। किताब से 10 खास सीख। पहले खुद को दें पैसा, कमाई का थोड़ा सा हिस्सा खर्च करने से पहले बचत के लिए अलग रख लें। ऐसा करने के लिए आप एक अलग बचत खाते में नियमित रूप से पैसा ट्रांसफर करने की आदत डाल सकते हैं। माहिरों की सलाह लें। पैसा लगाने से पहले किसी जानकार या फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लें ताकि आप सही फैसला कर सकें। खर्च पर लगाएं लगाम। आप कितना खर्च करते हैं उस पर नजर रखें और देखें कि कहां कम खर्च किया जा सकता है। इसके लिए एक बजट बनाएं और जरूरतों और ख्वाहिशों में फर्क समझें। अपने पैसे को काम पर लगाएं। अपनी बचत को ऐसे कामों में लगाएं जिनसे आपको कमाई हो, जैसे शेयर मार्केट, जमीन या कोई बिजनेस। पैसा लगाने से पहले अलग अलग तरीकों की जानकारी जरूर लें। धन को बढ़ाए चक्रवृद्धि, जो कमाई होती है उसे दोबारा लगाएं ताकि आपकी पूंजी बढ़ती रहे। इसको आप ब्याज या डिविडेंड को दोबारा लगाकर कर सकते हैं। हार ना माने, मेहनत करते रहें। अपने आर्थिक लक्ष्यों को पाने के लिए हिम्मत और मेहनत बनाए रखें। मुश्किलें आने पर भी हार ना माने। ज्यादा उधार लेने से बचें। सिर्फ जरूरी चीजों के लिए ही उधार लें और जल्दी से जल्दी कर्ज चुकाने की कोशिश करें। खासकर ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले चुकाएं। पैसे की आदत बनाएं, बचत करने, पैसा लगाने और बजट बनाने की आदत डालें। बिना सोचे समझे खर्च करने से बचें और अपने बनाए हुए फाइनेंशियल प्लान को फॉलो करें। सोच समझकर रिस्क लें। अलग अलग तरीकों को अच्छी तरह समझें और फिर अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए सोच समझकर रिस्क लें। अच्छी रिसर्च करें, फायदे और नुकसान को समझें और फिर फैसला करें। खुद को सीखना न छोड़े। पैसों के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में हमेशा सीखते रहें। किताबें पढ़ें, सेमिनारों में जाएं या कोर्स करें ताकि आपकी जानकारी बढ़े और आप सही आर्थिक फैसले ले सकें। मीनिंगफुल क्वोट्स। थोड़ी कमाई बचा के रखो, वही तुम्हारे काम आएगी। पैसा लगाने का सबसे पहला नियम है अपना पैसा सुरक्षित रखना। अनजान बिजनेस में पैसा लगाना ठीक नहीं, इससे नुकसान हो सकता है। जितना सीखोगे उतना कमाओगे। जो अपने हुनर को बढ़ाना चाहता है वो तरक्की करेगा। मौका, अपॉर्चुनिटी एक अभिमानी देवी है जो तैयार न रहने वालों पर ध्यान नहीं देती। बड़े पेड़ छोटे से बीज से ही उगते हैं, वैसे ही धन भी धीरे धीरे जमा होता है। आज का सूरज वही है जो तुम्हारे पिता के जन्म के समय चमका था और तुम्हारे आखिरी पोते के जाने के बाद भी चमकेगा। आजाद इंसान जिंदगी को हल करने वाली समस्याओं की तरह देखता है। सोच से ज्यादा समझदार काम नहीं हो सकते। सलाह तो सब देते हैं, पर सिर्फ वही लो जो फायदेमंद हो। चैप्टर्स ओवरव्यू। अध्याय एक, सोने की चाह रखने वाला आदमी। यह अध्याय बंसर, एक रथ बनाने वाले, और कुब्बी, एक संगीतकार की कहानी है। दोनों अपने अमीर दोस्त अरकाद से सलाह मांगते हैं। कहानी सोने की इच्छा और वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए ज्ञान की खोज के महत्व पर जोर देती है। अध्याय दो, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। अरकाद, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, बंसर और कुब्बी के साथ धन प्राप्त करने की अपनी यात्रा साझा करता है। वह पतली थैली के साथ इलाज बताता है जिसमें कमाई का एक हिस्सा बचाना, बुद्धिमानी से निवेश करना और जरूरतों और इच्छाओं में अंतर करना शामिल है। अध्याय तीन, पतली थैली के साथ इलाज। यह अध्याय अरकाद द्वारा पिछले अध्याय में बताए गए सात इलाजों के बारे में विस्तार से बताता है। यह आय का 10% बचाने, बजट बनाने, खर्चों को नियंत्रित करने, लाभदायक उद्यमों में निवेश करने और विशेषज्ञ की सलाह लेने जैसे सिद्धांतों पर चर्चा करता है। अध्याय चार, सौभाग्य की देवी से मुलाकात। अरकाद सौभाग्य की देवी से अपने मुकाबले की कहानी साझा करता है जो उन लोगों का पक्ष लेती है जो जोखिम उठाते हैं और अवसरों का फायदा उठाते हैं। अध्याय तैयारी के महत्व और अनुकूल समय का लाभ उठाने पर बल देता है। अध्याय पांच, सोने के पांच नियम। बंसर अरकाद से सोने के पांच नियम सीखता है
जिसमें अपनी थैली को भरना शुरू करना, खर्चों को नियंत्रित करना, अपने सोने को बहाना, नुकसान से बचाना और निवेश करने से पहले बुद्धिमान लोगों से सलाह लेना शामिल है। अध्याय 6, बेबीलोन का सोना उधार देने वाला। अरकाद दबशीर नामक एक व्यापारी का परिचय कराता है जो माथुन नामक साहूकार से सोना उधार लेता है। यह अध्याय बुद्धिमानी से उधार लेने, ऋण का शीघ्र भुगतान करने और अत्यधिक ऋण से बचने के सिद्धांतों को सिखाता है। अध्याय 7, बेबीलोन की दीवारें। यह अध्याय अपना घर खरीदने और संपत्ति रखने के महत्व पर केंद्रित है। यह घर के स्वामित्व और इक्विटी बनाने के लाभों को उजागर करता है। अध्याय 8, बेबीलोन का ऊंट व्यापारी। नुमसिर, एक ऊंट व्यापारी, अरकाद से सलाह लेता है कि कैसे अमीर बने। अरकाद वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतरता, दृढ़ संकल्प और निरंतर सुधार की शक्ति पर बल देता है। अध्याय 9, बेबीलोन की मिट्टी की गोलियां। यह अध्याय एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करता है जहां अरकाद बंसिर और कुब्बी को वित्तीय सलाह से अंकित मिट्टी की गोलियां सौंपता है। यह वित्तीय ज्ञान सीखने और साझा करने के महत्व पर बल देता है। अध्याय 10, सबसे भाग्यशाली आदमी। यह आखिरी अध्याय है जहां बंसिर और कुब्बी अरकाद की सलाह मांगकर खुद भी अमीर बन जाते हैं। ये इस बात को और मजबूत करता है कि इस किताब में बताए गए नियमों को कोई भी अपनाकर सबसे भाग्यशाली बन सकता है। की टेकअवेज। अमीर बनने का राज। एक, बचत की ताकत। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है नियमित रूप से बचत करना। हर महीने की कमाई में से कुछ हिस्सा अलग से जमा करें, मानो खुद को तनख्वाह दे रहे हों। दो, समझदारी से निवेश। सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं है, जमा की हुई रकम को सही जगहों पर लगाना भी जरूरी है। अगर आपको निवेश के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार की मदद लें। तीन, चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। समय के साथ आपकी जमा पूंजी कैसे बढ़ती है, इसे समझना बहुत जरूरी है। जितनी देर आप पैसा जमा रखेंगे और उस पर ब्याज कमाएंगे, उतना ही आपका पैसा तेजी से बढ़ेगा। चार, कमाई और खर्च में फर्क समझें। अपने पैसे को दो भागों में बांटें, कमाई करने वाली चीजें और खर्च कराने वाली चीजें। जमीन या कोई ऐसा बिजनेस जो आपको रेगुलर आमदनी दे, वो कमाई करने वाली चीजें हैं। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी या कोई महंगा शौक जो सिर्फ खर्च बहाता है, वो खर्च कराने वाली चीजें हैं। पांच, खर्चों पर लगाम लगाएं। जरूरतों और ख्वाहिशों में फर्क समझें। फिजूल खर्ची से बचें और अपनी कमाई से ज्यादा खर्च ना करें। छह, सोच समझकर रिस्क लें। हर काम में थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन पैसा कमाने के लिए समझदारी से रिस्क लेना भी जरूरी है। निवेश करने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। सात, ज्ञान और सलाह लें। पैसों के मामले में सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। वित्तीय मामलों की जानकारी रखें और सफल लोगों से सीखें। आठ, मेहनत और धैर्य। अमीर बनने में समय लगता है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करें और मुश्किलें आने पर भी हार ना मानें। नौ, दूसरों की मदद करें। पैसा कमाने के साथ साथ दूसरों की मदद करना भी जरूरी है। दान करें और समाज के विकास में अपना योगदान दें। आप क्या सीखेंगे? पैसा बचाना और उसका सही इस्तेमाल सीखें। यह किताब आपको कमाई का एक हिस्सा बचाने के फायदे बताएगी। बचा हुआ पैसा आपकी आर्थिक मजबूती की नींव बनता है। जरूरतें और ख्वाहिशें में फर्क समझें। किताब बताएगी कि किन चीजों पर खर्च जरूरी है और किन पर नहीं। इससे आप खर्चों को समझदारी से कम या ज्यादा कर पाएंगे। अपने पैसे को बुद्धिमानी से लगाएं। किताब आपको बताएगी कि कैसे सही जगह पर पैसा लगाना है। आप किसी अच्छे सलाहकार की मदद भी ले सकते हैं। पैसे की आदत डालें। किताब बजट बनाने, खर्चों को संभालने और जरूरत से ज्यादा खर्च न करने के आसान तरीके बताएगी। सोच समझकर रिस्क लें। किताब बताएगी कि कैसे किसी भी मौके पर फैसला लेने से पहले उसके फायदे और नुकसान को समझना चाहिए। इससे आप सही समय पर सही फैसला लेकर फायदा कमा सकते हैं। धीरज और मेहनत रखें। किताब यह सिखाएगी कि लंबे समय के आर्थिक लक्ष्य पाने के लिए धैर्य और मेहनत कितनी जरूरी है। रास्ते में आने वाली मुश्किलों से भी आप आसानी से पार पा सकेंगे। ब्याज की ताकत को समझें। किताब बताएगी कि ब्याज पर ब्याज कमाने से आपकी बचत कैसे तेजी से बढ़ सकती है। हमेशा सीखते रहें। किताब यही कहती है कि पैसों के बारे में जानकारी रखना और एक्सपर्ट की सलाह लेना कितना जरूरी है।
कर्जा संभालना सीखें, किताब कर्ज लेने के सही तरीके, कर्ज जल्दी चुकाने के फायदे और जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने के नुकसान बताएगी। ईमानदारी और जिम्मेदारी से रहें, किताब यह सिखाएगी कि पैसा कमाने और संभालने के लिए ईमानदार और जिम्मेदार होना कितना जरूरी है। 3 प्रैक्टिकल टिप्स, पैसा बचाने के आसान तरीके। टिप 1, बचत को आदत बनाएं। हर महीने की कमाई का थोड़ा सा हिस्सा अपने आप बचत खाते में जमा करने की आदत डालें। शुरुआत में कम राशि से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। इस तरह आप बिना किसी परेशानी के लगातार बचत कर पाएंगे। टिप 2, फिजूल खर्ची पर लगाम लगाएं। अपने खर्चों को गौर से देखें और उन चीजों पर कम खर्च करें जिनकी आपको लंबे समय तक जरूरत नहीं है। अनावश्यक चीजों पर ना खरीदें और बचाए गए पैसों को ऐसे कामों में लगाएं जिनसे आपको कमाई हो, जैसे शेयर बाजार, जमीन खरीदना या कोई पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना। टिप 3, सोच समझकर रिस्क लें। पैसा लगाने के अलग अलग तरीकों के बारे में जानकारी हासिल करें और उनसे होने वाले फायदे और नुकसान को समझें। शुरुआत में कम जोखिम वाले निवेशों से शुरुआत करें, जैसे म्यूचुअल फंड या अलग अलग तरह के शेयरों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना। जैसे जैसे आपकी जानकारी बढ़ती जाए, आप ज्यादा मुनाफा देने वाले निवेशों, जैसे शेयर या छोटे बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं। इस दौरान हमेशा संतुलन बनाए रखें और जरूरत पड़ने पर किसी जानकार की सलाह लें। यह पुस्तक किसके लिए है? ए बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी उन सभी लोगों के लिए है जो पैसों की समझ रखना चाहते हैं और अमीर बनने के बारे में सीखना चाहते हैं। ये किताब हर उम्र और कमाई वाले लोगों के लिए फायदेमंद है, चाहे आप अभी कमाना शुरू कर रहे हों या पहले से ही पैसों की बचत और निवेश के बारे में जानते हों। इस किताब में बताई गई सीधी और आजमाई हुई बातें हर किसी के काम की हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, पैसों को संभालने की अच्छी आदतें डालना चाहते हैं और भविष्य में आर्थिक रूप से सफल होना चाहते हैं। फाइनल थॉट्स, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी एक ऐसी किताब है जो कभी पुरानी नहीं होगी और आपको पैसा कमाने में बहुत मदद करेगी। ये कहानियों और उदाहरणों के जरिए आपको बताती है कि कैसे अमीर बनना है और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। चाहे आप अभी पैसा कमाना शुरू कर रहे हैं या पहले से कमा रहे हैं, ये किताब आपके लिए फायदेमंद है। ये आपको सिखाती है कि अगर आप मेहनत करते हैं, दृढ़ रहते हैं और सही सोच रखते हैं, तो आप आर्थिक रूप से आजाद हो सकते हैं और सुखी जीवन जी सकते हैं। तो इस किताब को दिलचस्पी से पढ़िए और बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी से सीखें। ये किताब आपके पैसों के बारे में सोचने का नजरिया बदल देगी और आपको हमेशा के लिए अमीर बनाएगी। 3 सोच संबंधी प्रश्न। 1, खुद को पहले पे करें। हर महीने की कमाई से सबसे पहले एक निश्चित रकम बचत या निवेश के लिए अलग कर दें। इसे ऐसे समझें जैसे कोई बिल जिसे सबसे पहले चुकाना है। ऑनलाइन बैंकिंग में सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का इस्तेमाल करें ताकि हर महीने अपने आप पैसा बचता रहे। बचे हुए पैसों से ही बाकी खर्चे पूरे करें। जरूरत पड़े तो कमाई बढ़ाने या खर्च कम करने के उपाय करें, लेकिन बचत का लक्ष्य न छोड़ें। याद रखें, बचाया हुआ ही कमाया हुआ है। 2, संपत्ति और देनदारी में फर्क समझें। संपत्ति वो चीजें हैं जो आपको भविष्य में कमाई करवाती हैं, जैसे जमीन, शेयर या कोई चलता हुआ बिजनेस। देनदारी वो चीजें हैं जिन पर आपका पैसा खर्च होता है, जैसे कार लोन, मोबाइल या कोई भी चीज जो सिर्फ खर्च बहाती है। अपने खर्चों पर नजर रखें और ऐसी चीजों पर फिजूल खर्ची कम करें जो सिर्फ देनदारी बहाती हैं। भविष्य में कमाई करने वाली संपत्ति खरीदने पर विचार करें। 3, सोच समझकर रिस्क लें। कई बार हम अच्छे मौके इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा जोखिम भरा समझते हैं। किसी भी निवेश या बिजनेस में उतरने से पहले अच्छे से रिसर्च करें। मुनाफे और नुकसान दोनों की संभावनाओं को समझें। किसी जानकार या वित्तीय सलाहकार की मदद लें ताकि सही फैसला ले सकें। थोड़े रिस्क लेकर आप अपनी आर्थिक तरक्की को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। एक्शन स्टेप्स। चरण 1, बचत की आदत डालें। सबसे पहले ये जानें कि आपकी आमदनी, कमाई कितनी है और आप हर महीने कितना खर्च करते हैं। इस हिसाब से एक बजट बनाएं और तय करें कि आप अपनी कमाई का एक हिस्सा हर महीने बचत के लिए अलग रखेंगे। बचत के लिए अलग बैंक खाता खोलें और उसमें हर महीने छादुंगरो
ऑटोमेटिकली स्वचालित रूप से पैसे जमा करने का इंतजाम करवाएं। इससे आपकी बचत खुद ब खुद होती रहेगी। चरण दो, खर्चों पर ध्यान दें। आप किन चीजों पर पैसा खर्च करते हैं उसकी एक लिस्ट बनाएं। गौर से देखें कि किन चीजों पर आप कम खर्च कर सकते हैं या जिनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है उन्हें बंद कर सकते हैं। जरूरत और ख्वाहिश में फर्क समझें। अपने पैसे का इस्तेमाल ऐसी चीजों पर करें जिनकी आपको जरूरत है और जो आपको आगे चलकर फायदा देंगी। चरण तीन, पैसों की जानकारी रखें। पैसों की बचत और कमाई को कैसे बढ़ाना है इसके बारे में सीखते रहें। इसके लिए किताबें पढ़ सकते हैं, किसी जानकार से सलाह ले सकते हैं या फिर इंटरनेट पर जानकारी खोज सकते हैं। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही अच्छा आप अपने पैसों का प्रबंधन कर पाएंगे। चरण चार, लक्ष्य तय करें। अपने आप को ये बताएं कि आप पैसा किस लिए बचाना चाहते हैं, जैसे रिटायरमेंट के लिए, कर्ज चुकाने के लिए या कोई जमीन या दुकान खरीदने के लिए। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें और हर हिस्से को पूरा करने के लिए एक योजना बनाएं। चरण पांच, सही जगह पर निवेश करें। पैसा कहाँ लगाना है इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल करें। शुरुआत में आप कम जोखिम वाले निवेश जैसे सरकारी बॉन्ड या म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। बाद में जब आप सीख लेंगे तो जमीन या शेयर बाजार में भी निवेश कर सकते हैं। याद रखें, पैसा लगाते समय कई तरह की कंपनियों में लगाएं ताकि अगर एक में घाटा हो तो दूसरा संभाल ले। ए बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी पुस्तक का निष्कर्ष वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए पांच सरल लेकिन शक्तिशाली नियमों को उजागर करता है। ये नियम प्राचीन बेबीलोन के निवासियों द्वारा अपनाए गए थे जो उस समय दुनिया के सबसे धनी शहरों में से एक था। कहानी के माध्यम से लेखक जॉर्जेस क्लेसन पाठकों को यह सिखाता है कि धन संचय एक भाग्य का खेल नहीं है बल्कि बुद्धिमानी से बचत, विवेकपूर्ण व्यय और निवेश के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। निष्कर्ष के रूप में आइए इन पांच स्वर्णिम नियमों को देखें। पहला नियम, अपने आप को पहले भुगतान करें, प्योर सेल्फ फर्स्ट। यह नियम इस विचार पर आधारित है कि आपको अपनी आय का एक हिस्सा, चाहे वह कितना भी कम हो, बचाना चाहिए। इसे अपने आप को भुगतान करना कहा जाता है। यह राशि आपकी आय का 10% या उससे अधिक हो सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बचत की आदत डालें और इसे नियमित रूप से करें। समय के साथ यह बचत एक बड़ी राशि में बदल जाएगी। दूसरा नियम, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें, कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर। यह नियम इस बात पर जोर देता है कि आपको अपने खर्चों को अपनी आय से कम रखना चाहिए। अनावश्यक चीजों पर धन बर्बाद करने से बचें और उन चीजों पर ध्यान दें जिनकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। बजट बनाएं और उसका पालन करें। विलासिता को स्थगित करें और पहले अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें। तीसरा नियम, अपने धन को काम पर लगाएं, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। यह नियम निवेश की शक्ति पर प्रकाश डालता है। बचाई गई राशि को केवल तिजोरी में रखने के बजाय उसे बुद्धिमानी से निवेश करें ताकि वह आपके लिए और अधिक धन कमा सके। संपत्ति खरीदे जो किराए का भुगतान करे या किसी ऐसे व्यवसाय में निवेश करें जिसमें विकास की संभावना हो। धन को निष्क्रिय न रहने दें बल्कि उसे अपने लिए काम करने दें। चौथा नियम, अपने ऋणों से सावधान रहें, गार्ड द फॉर्च्यून्स ऑफ योर ट्रस्ट। यह नियम ऋण के खतरों से आगाह करता है। जितना हो सके कर्ज लेने से बचें। यदि ऋण लेना आवश्यक है तो सुनिश्चित करें कि आप उसे जल्द से जल्द चुका सकते हैं। अनावश्यक ऋण वित्तीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। पांचवा नियम, अपने भविष्य के लिए निवेश करें, इंक्रीज योर इनकम अर्निंग एबिलिटी। यह नियम निरंतर सीखने और अपने कौशल को विकसित करने के महत्व को रेखांकित करता है। जितना अधिक आप सीखते हैं और जितना अधिक कुशल होते हैं उतनी ही अधिक कमाई करने की आपकी क्षमता बढ़ती है। नए अवसरों की तलाश करें और अपनी कमाई बढ़ाने के तरीके खोजें। ये पांच नियम वित्तीय सफलता का आधार हैं। पुस्तक यह भी बताती है कि धन संचय एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है। जल्दबाजी या जोखिम लेने के बजाय धैर्य और अनुशासन महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी पाठकों को यह सिखाता है कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना संभव है।
यह पाठकों को एक ठोस वित्तीय योजना बनाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। पुस्तक का संदेश सरल है, बुद्धिमानी से बचत करें, विवेकपूर्ण खर्च करें और अपने धन को अपने लिए काम करें। यदि आप इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो आप भी वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम अपनी यात्रा के अंत में पहुंच चुके हैं, बेबीलोन के प्राचीन शहर से सीखने के बाद, जहां धन हर किसी की पहुंच में था। जैसा कि हमने देखा, अरकत के धन को मोटा बनाने के सात उपचार ने वहां के लोगों को वित्तीय सुरक्षा और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। ये उपचार उतने ही आज भी प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। आइए इन अंतिम क्षणों में उनका एक बार फिर से सार संक्षेप में देखें। अपने बटुए को मोटा बनाओ, स्टार्ट डायपर्स टू फैटनिंग, अपनी आय का एक हिस्सा कम से कम 10% बचत के लिए अलग रखें। भले ही राशि छोटी लगे, निरंतर बचत धन संचय की नींव रखती है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, कंट्रोल दाय एक्सपेंडिचर्स, अपनी जरूरतों को अपनी इच्छाओं से अलग पहचानें। अनावश्यक खर्चों में कटौती करें और एक बजट बनाएं जिससे आप खर्च पर नियंत्रण रख सकें। अपना सोना कई गुना करो, मेक दाय गोल्ड मल्टीप्लाई, बचत को जमा करके रखने से कोई फायदा नहीं। बुद्धिमानी से निवेश करें जहां आपका पैसा और बढ़े। जमीन, व्यापार या सम्मानित साहूकारों के पास निवेश के बारे में सलाह लें। अपनी भविष्य की आय सुनिश्चित करें, गार्ड दाय ट्रेजर फ्रॉम लॉस, जोखिम भरे निवेशों से बचें। अपनी बचत और निवेश को सुरक्षित रखें ताकि आप वित्तीय विपत्तियों से बच सकें। अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाओ, इंक्रीज दाय इनकम, केवल बचत करने से ही अमीर नहीं बना जा सकता। नए कौशल सीखें, अतिरिक्त आय के स्रोत तलाशें और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बने। निरंतर सीखने और विकास से आपकी कमाई क्षमता बढ़ेगी। अपने भविष्य के लिए निवेश करो, प्रिपेयर ड्वेलिंग फॉर दाइन फ्यूचर, अपने भविष्य के लिए धन जमा करें, खासकर बुढ़ापे के लिए। निजी मकान का स्वामित्व भी भविष्य के लिए एक अच्छा निवेश माना जाता है। अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत बनाओ, डिजायर अ सिक्योर फ्यूचर, वित्तीय सुरक्षा के लिए एक मजबूत इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। लक्ष्य निर्धारित करें, उन तक पहुंचने के लिए एक योजना बनाएं और दृढ़ रहें। ये उपचार सरल हैं, लेकिन इनका पालन करने में अनुशासन की आवश्यकता होती है। याद रखें, अमीर बनना रातों रात नहीं होता, यह धीरे धीरे, निरंतर प्रयासों और बुद्धिमानी से लिए गए फैसलों का नतीजा है। धन का मार्ग प्रशस्त करना, पेविंग द वे टू वेल्थ, एट द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें यह याद दिलाता है कि धन संचय कोई रहस्य नहीं है। यह वित्तीय ज्ञान सही आदतों और धैर्य से प्राप्त किया जा सकता है। इस पुस्तक से प्राप्त ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में लागू करें। बजट बनाएं, बचत करें, निवेश करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। याद रखें, आप अपनी वित्तीय नीति के स्वामी हैं। आज ही एक सकारात्मक बदलाव लाएं और धन के मार्ग पर चलना शुरू करें। इस पुस्तक के महत्वपूर्ण संदेशों में से एक यह है कि धन के प्राप्ति में सही सोच और निर्णय का महत्व है। हमें धन निर्माण के लिए उचित निवेश करने की आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपनी वित्तीय स्थिति को समझें और उसे प्रबंधित करने के लिए उचित उपाय अपनाएं। बेबीलोन की ये कथाएं हमें धन के प्राप्ति में समय की महत्वता को सिखाती हैं। हमें अपने धन को समझने और बढ़ाने के लिए समय निकालने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए समय निकालना और धन के प्रबंधन में निवेश करना आवश्यक है। इस पुस्तक ने हमें धन के महत्व को समझाया है, लेकिन यह भी सिखाती है कि धन का सही उपयोग कैसे किया जाता है। हमें धन का सदुपयोग करके अपने और अपने परिवार के लिए सुख और समृद्धि की ओर अग्रसर होना चाहिए। इस पुस्तक में विशेष रूप से बताया गया है कि धन के प्राप्ति के लिए हमें निरंतर कठिन परिश्रम करना चाहिए। धन निर्माण में सफलता के लिए हमें प्रतिदिन काम करने, निवेश करने और अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होने की आवश्यकता है। इस पुस्तक का महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें अपने धन का सदुपयोग करके और सही निवेश करके अपने और अपने परिवार के लिए एक सुखी और समृद्ध जीवन जीने का उद्देश्य रखना चाहिए। धन की प्राप्ति एक कल्पना ही नहीं है, बल्कि इसे उपायों की व्यावसायिक सोच और कर्मठता के साथ प्राप्त किया जा सकता है। समापन के रूप में, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी एक अद्वितीय किताब है जो हमें धन के प्राप्ति, उपयोग और प्रबंधन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सिखाता है। इसे पढ़ने के बाद
हमें धन के साथ सही रूप से व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है और हम अपने आर्थिक जीवन को समृद्ध बनाने के लिए सक्षम होते हैं। धन के महत्व को समझने और इसके प्रबंधन में समय और सही निर्णय करने का यह मार्गदर्शक ग्रंथ हमें अपने धन की सामर्थ्य को समझने और उसे अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग करने में मदद कर सकता है। अंतिम विचार, फाइनल थॉट्स। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो हिंदी में द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का सारग्रह पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।